हम जैसे कल हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जख्म हमने पढ़े थे, बर्न्स और उनकी टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम है ये, आपले और छाले हमने कल पढ़ा था, फिर इनकी दर्जाबंदी देखी थी। कल वाला ये लेक्चर मैंने शेयर किया था ना, सबको मिल गया था ये? नहीं यस मिला? मैम, किया किया था, था, मिल गया था आप मिल लोगों को? गया था मैम। ओके ओके। अच्छा, अब आज जो हमने पढ़ना है, आज हमने ये पढ़ना है कि यहाँ से ये करंट लगना, करंट वाला से शुरू करना है। हाँ, क्योंकि कल हमने ये सारा पढ़ लिया था, खुश्क और माया हरारा से पैदा शुदा जख्मों की तिब्बी अमदाद क्या होती है, फिर जलने के हल्के फुल्के जख्मों की तिब्बी अमदाद, गहरे जख्मों के मोमी तिब्बी अमदाद कैसी होती है, कीमियाई मादों से पैदा शुदा जख्मों की तिब्बी अमदाद कैसी होती है, फिर बिजली से करंट लग जाए तो उसकी तिब्बी अमदाद, ये हमने कल पढ़ लिया, ठीक है। आज हमने पढ़ना है बिजली का करंट लगना, करंट कैसे लगता है। आप लोगों को सबको जिंदगी में कभी ना कभी हमें बिजली से वाबस्तगी हमारी होती ही है, तो हमें हल्का सा कभी करंट लगा हो तो हमें पता होता है कि एकदम हमारी पूरी बॉडी वो ऐसे झटका सा लगता है और हम दूर हो जाते हैं उस चीज से। तो बिजली की रो सरायत कर जाए बॉडी में, तो बहुत मुजर असरात पड़ते हैं, या मौत भी वाकया हो जाती है, और बिजली का झटका लगने से बाजुकार दिल के अजलात कांपने लगते हैं और थरथराने लगते हैं, और दिल की धड़कन भी बंद हो जाने का सबब बनती है। जिस जगह से बिजली की रो जिस्म में दाखिल होती है और जहाँ से खारिज होती है उसमें बहुत बुरी जगह दिल झुलस आती है, ऐसे ना जख्म बन जाता है। और लेकिन ये जख्म नजर तो मामूली आते हैं, लेकिन दूर दूर तक बड़ी शदीद किस्म का इन टिश्यूज को नुकसान पहुंचा हुआ होता है, सांस लेने का अमल, दिल की कारकर्दगी सब मुतासर होती है। तो जितने ज्यादा वोल्टेज का करंट होगा उतने ही ज्यादा हैवी करंट फील होगा। कम वोल्टेज जो होता है वो हमारे घरों में, ऑफिसेस में, शॉप्स में, डिफरेंट एरिया पर जो बर्की आलात, हमारे टीवी, इस्त्री, मतलब हम जहाँ चार्जिंग कर रहे होते हैं, बटन, हम इलेक्ट्रिक मोटर का हम जो यूज कर रहे होते हैं, तो जहाँ जहाँ बिजली, और ये खुशन ना जब गीले हाथों से हम जब काम करते हैं तो तब करंट लगने का चांस ज्यादा होता है। तो लेकिन आपने दो लफ्ज सुने होंगे, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जो बिजली को आगे कंडक्ट कर सकते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं कि जो इसी बिजली को आगे ट्रांसफर करने से रोकते हैं, तो वो इंसुलेटर होते हैं। तो कपड़ा, प्लास्टिक, रबर, इस तरह की सारी चीजें हमारी इंसुलेटर होती हैं, इसीलिए हमारे जो, आपको पता है ना, बिजली की तारों के ऊपर प्लास्टिक लिपटी होती है, स्विचेस भी हमारे प्लास्टिक के होते हैं, ऐसा ही है ना? यस मैम, तो लेकिन आपने ये भी देखा है कि हमें जब हम बिजली के करंट को, स्विच को ऑन ऑफ करने लगे होते हैं, तो सब घर वाले भी यही कहते हैं कि हाथ खुश करके या पाँव में जूते पहन के। वो इसलिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ता वो स्विच जिसमें आप, हम हाथ लगाने जा रहे होते हैं, अगर उसको हम ऑन ऑफ करने जा रहे हैं, तो वहां पर अगर करंट आ रही है और हम गीले हाथ या गीले पाँव होंगे, तो वो सारा करंट को पास होने की जगह मिल जाएगी पानी की वजह से, क्योंकि पानी एक बिजली का बहुत अच्छा मूसल है, बिजली का अच्छा कंडक्टर है। इसलिए गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बिजली की अशिया को इस्तेमाल करने में एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बिजली का झटका लगने के इम्कान ज्यादा होते हैं। फिर तूफान के दौरान आसमानी बिजली भी एक कुदरती जरिया है, जो अक्सर औकात उस इलाके की बुलंद तरीन चीज के जरिए, जमीन, मतलब अगर वहां पर कोई दरख्त है, कोई मीनार है, कोई खंबा है, तो अगर कोई इंसान ही खड़ा है, लंबा है उस जगह पर, तो आसमानी बिजली इस पर भी, मतलब ये एक तरह की फाइंडिंग है, जरूरी नहीं होता ऐसा ही हो, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते होते हैं कि मज़ाहरा ये खुदाई मामला है, हमें इसका अंदाजा नहीं होता कि ये किस और किस जगह पर है, लेकिन ये बस एक तरह की स्टडी है, एक फाइंडिंग। तो आसमानी बिजली का करंट बहुत छोटे दुराने के लिए होता है, लेकिन ये बड़ा सख्त होता है, बहुत शदीद होता है, तो जानदार की होश उड़ जाती है और मौत भी हो सकती है, कपड़ों में आग लग सकती है। तो सबसे जरूरी ये होता है कि पहले मरीज को खतरे की जगह से दूर ले जाएं। अब चाहे बिजली का करंट हो या आसमानी बिजली हो, मरीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक पता ना चल जाए कि अब इसका, मरीज का ताल्लुक जो है ना, वो जो स्विच है या मरीज के और बिजली का दरमियान कोई कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि अब जो इंसान उसको हाथ लगाएगा तो वो करंट उस बंदे में भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अगर हादसा हाई वोल्टेज की बिना पर हो तो मुतासरा शख्स के नजदीक जाने की कोशिश ना, देखिए ना, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, अब ये जो बिजली के खंभे होते हैं ये हाई वोल्टेज के सोर्स होते हैं,
तो अगर वहां पर कोई हादसा हुआ है तो पहले पुलिस और उस अपने जो बिजली का डिपार्टमेंट है, जैसे ये आइस्को वाले होते हैं, जिनके जो प्रॉपर जिनका बिजली से कह सकते हैं कि आप उनको बिजली वालों को इन्फॉर्म करें, वेट करें कि जब तक वो पीछे से बिजली बंद ना कर दें। अब कैसे पता चलेगा कि बिजली का करंट लगा है किसी को? अब बिजली का करंट लगने से सांस रुक जाती है, मुतासरा चेहरे का शख्स का चेहरा जो है वो बड़ा पीला जर्द हो जाता है, दिल की धड़कन और सांस दोनों इकट्ठी बंद हो जाती है। जहां से बिजली दाखिल हुई है और जहां से खारिज हुई है वहां गहरे जख्म बन जाते हैं और शॉक रहता है, वो ऐसे सदमे में चला जाता है। अब तिब्बी अमदाद क्या है कि सबसे पहले तो बिजली की रो से छुटकारा हासिल करें, ठीक है, बिजली की रो, बिजली से बंद करवाएं, और अगर मुमकिन हो तो मरीज को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाएं। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा तो मसनूई तरीका से मुंह लगाकर उसे सांस देने की कोशिश जारी करें, और अगर वो बेहोश है और सांस ले रहा है तो उसे आराम से लिटा दें, वो होश में आ जाएगा क्योंकि वो फिलहाल बस बेहोशी है। फिर जख्म का मुआयना करें और उन पर साफ और खुश्क पट्टी बांध दें, और अगर सदमे में वो है तो भी उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाएं, उसे होश में लाने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। समझ आ गई सबको यहाँ तक ये पॉइंट? यस मैम, आ गई है। ओके, अब आगे हमारे पास है जी, हमने दोनों तरह की वोल्टेज को स्टडी करेंगे कि लो वोल्टेज कैसी होती है, हाई वोल्टेज कैसी होती है। अब ऐसी तमाम सूरत में जब बरकी रोग का तसलसल हमारी घर में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, मेन स्विच होता है घर में, आपको पता ही होगा, मतलब उसको बंद कर दें, अगर आपको कहीं लग रहा है कि बिजली का करंट यहाँ से निकल रहा है और ये नुकसान पहुंचाने का हमें अंदाजा हो रहा है, तो वहां से वो प्लग निकाल दें, मेन स्विच बंद कर दें। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे किसी ऐसी चीज पर खड़े होकर, ऐसे लकड़ी की या प्लास्टिक का पायदान या रबड़ की कोई या कुर्सी या स्टूल से मरीज को, पेशेंट को बरकी रूह से दूर धकेल दें, मतलब हाथ नहीं लगाना, ये नहीं खुद उसको पकड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे करना है कि उसको डंडे से, लकड़ी के, लोहे से भी नहीं, लकड़ी के डंडे से उसे दूर धक्का दें, या अगर रस्सी है तो उसके पाँव के गर्द रस्सी डालकर उसे घसीट लें, खींच लें, मतलब किसी सूरत भी धात की, लोहे की चीज से, गीले हाथ से मरीज को नहीं खींचना। अगर कोई चीज दस्तियाब नहीं है तो कपड़े को पकड़कर उसको खींच लेना चाहिए। अगला टॉपिक है हाई वोल्टेज। इस किस्म की बरकी रो ऊंचे खंभों में, जो हमारे जो बिजली के खंभे होते हैं, या जमीन दोज मोटी तारे होते हैं बिजली, उसका झटका बहुत सख्त होता है, अल्लाह माफ फरमाए, बहुत मोहलिक होता है, जानलेवा होता है। इस किस्म की बरकी रो लगने से बहुत से गहरे जख्म होते हैं और यकदम अज़लात के सिकुड़ने से, मतलब ना हमारे मसल्स, आपने देखा था हमारे उनमें मूवमेंट होती है हमारे मसल्स की, दिल की, तो वो एकदम से सिकुड़ जाते हैं तो खिंचाव में आ जाता है, इंसान दूर गिर जाता है। लेकिन अभी भी अगर बंदा वो तार से लटक, तार से चिपका हुआ है तो उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, और ना ही जान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर औकात किस किस्म की बरकी तारों से 18 किलोमीटर दूर खड़े इंसान तक, मतलब 18 मीटर दूर इंसान तक, इसे कोस है ना, जैसे हाफ सर्कल होता है, कोस हाफ सर्कल, तो इतने दूर बंदे तक ये बिजली का करंट पहुंच सकता होता है। और ऐसी गैर मूसल अशिया, मसलन लकड़ी का तख्ता, कपड़े आपको किसी किस्म का तहफ़ नहीं दे सकते, मतलब अगर किसी को ये पता चल जाए कि ऊंचे खंबे से या किसी जमीन दोस्त मोटी तार से करंट लगा है, तो आप इस केस में आप लकड़ी का डंडा या कपड़े से खींच कर उसे नहीं बचा सकते। इसलिए ये जरूरी है कि पुलिस को और बिजली के जो वापडा का महकमा है उनको इन्फॉर्म करें, लोगों को, देखने वालों को, जो मुतासरा शख्स है उसे दूर रखें, और इस बात का यकीन करें कि मुतलका महकमा के, वापडा के या पुलिस के लोग इस बात का आपको यकीन दिला दें कि बरकी रो मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है। ठीक, समझ आ गया हैवी करंट, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से बचाव कैसे मुमकिन है? जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया सबको? यस मैम, आ गया। आ गया है, चलिए। बिजली का करंट आज हमने पढ़ा, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो सबने याद करने हैं, ठीक है, और ऐसा करना है कि इस टॉपिक का कल मैं टेस्ट ले लूंगी, जितना हम पढ़ चुके हैं ना ये टॉपिक, ठीक है, मैं आपको इसके लेक्चर्स फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है, लेक्चर सेंड कर देती हूँ, तो आपने ये टॉपिक यहाँ तक पढ़ के मुझे सबने टेस्ट देना है, मैं आपको कल इसी पीरियड में, इसी टाइम में आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आपने वो लिख के मुझे कल पे सेंड करना है। ओके यस मैम, ओके ठीक मैम, है। ओके, मैं आपको इसके लेक्चर सेंड करती हूँ। अल्लाह ओके मैम। अल्लाह हाफिज़।